गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर 9 डायरी ऑफ मशीन्स, और जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, औद्योगिक क्रांति की बात की थी, मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन प्रोडक्शन जिसको कहा जाता है, और मास प्रोडक्शन के क्या फ़ायदे हैं इसकी भी चर्चा की गई थी। उसके बाद सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत की बात हुई, जिसमें कोल की बात हम लोगों ने की थी, कैसे कोल को एनर्जी के रूप में यूज़ किया जाता है मशीन में, है ना, और किस प्रकार हम कोल प्राप्त करते हैं। दूसरा जो है वो है मिनरल ऑयल। In 1857, a very important source of energy was discovered in the USA in the form of mineral oil. 1857 में mineral oil की खोज की गई थी, जो एक important source of energy साबित हुआ। USA के द्वारा इसकी खोज की गई थी। Mineral oil is a liquid fuel found below the earth's surface. Mineral oil liquid के रूप में होता है, fuel के रूप में, जो below the earth's surface यानी धरती के नीचे, धरती की सतह के नीचे पाया जाता है। और इस मिनरल ऑयल को बाहर निकाला जाता है, है ना, या क्रूड ऑयल के रूप में होता है ना, कच्चे तेल जिसको कहते हैं। देन इट इज टेकन टू द रिफाइनरीज एंड रिफाइंड टू गेट केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एंड मेनी अदर केमिकल। ये जो मिनरल ऑयल है वो कच्चे रूप में पाया जाता है, कच्चा तेल जिसको कहा जाता है, और यह धरती के नीचे पाया जाता है। फिर इसको जो है ऑयल वेल्स से बाहर निकाला जाता है, ठीक है, और इसको रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जिसमें केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और कई सारे केमिकल्स जो है तैयार किए जाते हैं, जिसका उपयोग हम लोग कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल इत्यादि में करते हैं। पेट्रोल का यूज करते हैं हम लोग, है ना। डीजल इंजन रन ऑन डीजल विच इज चीपर देन पेट्रोल। डीजल इंजन का आविष्कार हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डीजल इंजन का आविष्कार हुआ, जिससे गाड़ियां चलाई जाती है और कई सारी बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जाती है, और उसमें यह डीजल यूज किया जाता है उसके फ्यूल के रूप में, जो कि पेट्रोल से सस्ता होता है, है ना। और मैंने आपको बताया था कि आज के डेट में अभी जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस में डिफरेंस, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया, लेकिन कुछ साल पहले अगर हम देखते हैं, पीछे जाते हैं, तो वहाँ पे पेट्रोल और डीजल के प्राइस में काफ़ी अंतर हुआ करता था। तो इसीलिए डीजल इंजन का आविष्कार हुआ, ताकि लोगों को कम खर्च पड़े, है ना। रेलवे इंजन, ट्रक, बसेस, ETC रन ऑन डीजल। इट हैज हार्डली बीन 150 ईयर सिंस मिनरल ऑयल हैज बीन डिस्कवर्ड। लगभग 150 वर्ष हुए हैं मिनरल ऑयल खोज हुए, बट वी हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड ए बिग पार्ट ऑफ नेचुरल ऑयल रिजर्व। लेकिन हम लोग इसे 150 सालों में उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर चुके हैं। हाउएवर द यूज ऑफ कोल एंड मिनरल ऑयल कॉजेस अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन। कोयले और मिनरल ऑयल के यूज से, है ना, यह जो है कारण बनता है प्रदूषण का, है ना, इससे प्रदूषण फैलता है कोल के इस्तेमाल से और मिनरल ऑयल के इस्तेमाल से। दूसरे से निकलने वाली धुआं जो है वो जाके वातावरण में मिल जाती है और वातावरण को प्रदूषित करती है, हवा को प्रदूषित करती है, पोल्यूट करती है। अगला जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। द स्टोरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। किस प्रकार बिजली की शुरुआत हुई या बिजली का खोज हुआ, है ना,
यह एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है, एक बार आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार इसको रिपीट करते हुए करता हूँ मैं। इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड बाय ए मैन इन नीदरलैंड हु डेवलप्ड अ टॉय कॉल्ड लिडन जार। इट कंसिस्टेड ऑफ अ वायर दैट वाज डिप्ड इन द वाटर ऑफ द जार, द अदर वायर वर आउटसाइड। एक खिलौना बनाया गया नीदरलैंड के एक व्यक्ति के द्वारा, है ना, जिसको उस खिलौने को नाम दिया गया लिडन जार। ठीक है, इसमें एक वायर होता था जिसको पानी में डुबा दिया जाता था और एक वायर को बाहर रख दिया जाता था। वेन दिस टू वायर्स वेयर ज्वाइंट, और जब इन दोनों को जोड़ा जाता था तो इससे स्पार्क होता था। समटाइम्स इट्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए माइल्ड शॉक, कभी कभी झटका भी लगता था इससे, है ना, स्पार्क की जगह झटका लगता था। दिस टॉय वॉज वेरी पॉपुलर, और ये लिडन जार जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ। यहीं से शुरुआत हुई बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया, है ना। ही वॉन्टेड टू प्रूव दैट द चार्ज जनरेटेड बाय फ्रिक्शन इन द लिडन जार वाज द सेम एज द चार्ज जनरेटेड बाय लाइटनिंग इन द फर्नेस। ये यह साबित करना चाहते थे कि जो चार्ज उत्पन्न होता है फ्रिक्शन से इस लिडन जार, जो टॉय था लिडन जार, उसमें वह सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार जो है लाइटनिंग जो होता है, नेचुरल लाइटनिंग जिसको कहते हैं, और थंडर स्टोम स्टॉर्म, वह सेम उसी प्रकार है। इसको यह प्रूव करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने काम किया। क्या किया उन्होंने, उन्होंने एक पतंग बनाया, मेड ए पेपर काइट एंड फ्लू इट हाई इन द स्काई, और उसको ऊंचे आकाश में उड़ाया ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म। साबित करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को साबित करने के लिए उन्होंने एक पतंग बनाया और पतंग को उस समय उड़ाया जिस समय बिजली कड़क रही थी आसमान में। उसमें क्या किया उन्होंने, पतंग में एक स्ट्रिंग बांधा और उसमें एक चाबी बांधी, द अदर एंड ऑफ द दूसरे साइड में एक चाबी बांधी। व्हेन द लाइटनिंग अकर्ड ही टच द की एंड एक्सपीरियंस्ड द, और जैसे ही बिजली बिजली चमकी, उन्होंने उस की को, चाबी को टच कर दिया, और जिससे उन्हें झटका लगा, बिजली का झटका उन्हें लगा, और इससे यह उन्होंने प्रूव कर दिया लाइटनिंग वॉज बिल्ड अप ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द माइल्ड शॉक एक्सपीरियंस इन द लिडन जार वॉज सिमिलर टू द स्पार्क एंड शॉक इन द लाइटनिंग। हिज एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उन्होंने इस प्रकार से खोज कर दी इलेक्ट्रिसिटी की। एज साइंटिस्ट हैज टू वर्क टू फाइंड आउट वेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इन 1800 एन इटालियन साइंटिस्ट अलेसांद्रो वोल्टा मेड द फर्स्ट बैटरी। हाँ, तो इस प्रकार से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोज कर दी इलेक्ट्रिसिटी की, खोज कर दी। ठीक है, लिडन जार को देखकर उन्होंने उसको साबित किया कि ये जो चार्ज जो है जो उत्पन्न होता है इस टॉय में, इस लिडन जार में, वही चार्ज जो उत्पन्न होगा बिजली जो लाइटनिंग होती है, जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग में, और इस प्रकार उन्होंने साबित भी किया इसको, और यहाँ से बिजली की शुरुआत हो गई, खोज हो गई। अब हम लोग बात करेंगे बैटरी की। बैटरी के बारे में आप लोग जानते हैं बैटरी क्या होती है। इन 1800 एन इटालियन साइंटिस्ट अलेसांद्रो वोल्टा, इटली के साइंटिस्ट जिनका नाम अलेसांद्रो वोल्टा था, मेड द फर्स्ट बैटरी विच कुड प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने पहली ऐसी बैटरी बनाई जो कुछ मात्रा में बिजली का उत्पादन कर सकता था। He discovered that there is a continuous flow of electricity called electric current. Continuous flow of electricity is known as electric current. Later engineers made new machines which generated greater amounts of electricity. These were termed as generator. फिर इस तरह से जनरेटर का निर्माण हुआ, है ना? बट टू रन दिस जनरेटर सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इस जनरेटर को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ये हम सभी जानते हैं। उसमें
क्या क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोल पेट्रोल जनरेट, कोल पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा वॉज रिक्वायर्ड। तो बड़े बड़े जनरेटर बनाए गए लेकिन इनको चलाने के लिए जो फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कोल पेट्रोल डीजल इत्यादि की आवश्यकता पड़ी है ना। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के दूसरे स्रोत, कई सारे स्रोत बनाए गए, तैयार किए गए है ना, खोज की गई। एज यू नो कोल एंड मिनरल आर फॉसिल फ्यूल व्हिच वेयर फॉर्म ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल एजेस बाय द डिकेड वेजिटेशन एंड द एनिमल्स बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट अंडर हैवी प्रेशर, देयर रिजर्व्स आर लिमिटेड। ये जो सोर्स है कोल है या पेट्रोलियम है या मिनरल ऑयल जिसको कहते हैं मिनरल ऑयल, ये लिमिटेड में है ना, नॉन रिन्यूएबल है, तो लिमिटेड मात्रा में उपस्थित है ये। और जिसका जिस जितनी तेजी से इसका इस्तेमाल हो रहा है, हो सकता है या एक दिन समाप्त हो जाए, तो उसके लिए उसको बचाने के लिए जो बचे हुए हैं उसको उसकी खपत, हम अपनी खपत को अपने जो हम कंज्यूम करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कोल और मिनरल ऑयल, उसको हम कम करने के लिए हमें दूसरे सोर्स की तलाश करनी होगी की जरूरत पड़ी। और इस तरह से कई सारे सोर्स जो है की खोज की गई, अदर सोर्सेज की खोज की गई, जिससे हम कोल और मिनरल ऑयल का इस्तेमाल कम करें है ना। सिंस वी आर यूजिंग अप आवर एग्जिस्टिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी एट रैपिड पेस, वी नीड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी रिन्यूएबल एंड वुड नॉट एग्जिस्ट लाइक आवर रिजर्व्स ऑफ कोल एंड ऑयल। तो हमें ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी की आवश्यकता पड़ी जो रिन्यूएबल हो, जिसको दोबारा बनाया जा सके, दोबारा प्राप्त किया जा सके, क्योंकि हमारा जो जो नेचुरल सोर्स जो है मिनरल ऑयल या कोल जो है वह लिमिटेड है, उसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, लाखों वर्ष बनने में इसको लगते हैं। तो इसीलिए दूसरे सोर्स के रूप में हम चीज़ें बनाए और उसका इस्तेमाल करें। और इस तरह से खोज हुई इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई। इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, यह इलेक्ट्रिसिटी जो है वाटर से तैयार किया जाता है, पानी से तैयार किया जाता है, और इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रनिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो रनिंग वाटर से जिस बिजली को तैयार किया जाए इलेक्ट्रिसिटी, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से हम जानते हैं। किस तरह से तैयार होता है यह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इन दिस मेथड द वाटर इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, एक ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है, नीचे मशीन लगी होती है, टर्बाइन लगा होता है ना, और उस पर पानी को ग्रेट हाइट से यानी ऊंचाई से गिराया जाता है बाय द फोर्स ऑफ वाटर, और उस पानी के फोर्स की वजह से टर्बाइन स्टार्ट होता है, मूव करना शुरू करता है यानी चलना शुरू करता है, और इससे बिजली तैयार की जाती है। और इसके लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बात की होगी हमने, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, नदियों के ऊपर बांध बनाए जाते हैं, पानी को स्टोर किया जाता है, डैम्स आर बिल्ट ऑन द रिवर्स टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना, नदी के ऊपर बांध बनाए जाते हैं और इस तरह से प्रोसेस किया जाता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है ना, जिसको हम बार बार तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये रिन्यूएबल सोर्स है, नॉन रिन्यूएबल नहीं है। दूसरा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है विंड एनर्जी है ना, विंड से एनर्जी प्राप्त करते हैं, तैयार करते हैं। द फोर्स ऑफ द विंड इज यूज्ड टू रन विंड मिल्स, हवा का जो फोर्स है, जो बल है, उसको उपयोग से हम लोग विंड मिल को चलाते हैं, पवन चक्की जिसको कहा जाता है। नीदरलैंड इज फेमस फॉर इट्स विंड मिल,
नीदरलैंड का योगदान है ये, इसके लिए फेमस है नीदरलैंड। इन इंडिया ऑल्सो विंडमिल्स हैव बीन सेट अप इन कोस्टल एरियाज, और भारत में भी कई कोस्टल तटीय क्षेत्रों पर जो है विंडमिल लगाए गए हैं, है ना। द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन आर मूव्ड बाय द प्रेशर ऑफ द विंड, ये जो टर्बाइन होते हैं वो जो है हवा की गति से, हवा के फोर्स से ये चलते हैं, विच इन टर्न प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरह से बिजली तैयार की जाती है ना। अगला जो आपका है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी और जिसको एटॉमिक एनर्जी भी कहते हैं, इज प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ द एटम। एटम यानी जो कण होता है, अणु, उसके टूटने से जो है यह तैयार किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। नाउअडेज मेनी कंट्रीज यूज न्यूक्लियर एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कई सारे देश जो है न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, बिजली तैयार करने के लिए, बिजली बनाने के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी नॉट इजी टू यूज, यह इतना आसान नहीं है। इट इज़ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी बट इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव टू, यही बहुत ही पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन साथ ही साथ यह एक्सपेंसिव है, यानी महंगा है, काफ़ी खर्च आते हैं इसमें, इसको तैयार करने में। अगला है बायोगैस। बायोगैस इज ऑल्सो नोन एज गोबर गैस, क्योंकि यह गोबर से तैयार होता है, इसीलिए इसको गोबर गैस भी कहा जाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम काउ डंग इन द विलेजेस, गाँव में गाय के गोबर से इसको तैयार किया जाता है, गोबर गैस बनाया जाता है, या बायोगैस इसको कहते हैं। इट इज एक्सलेंट फ्यूल विच कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग हाउसेस, बहुत ही बेहतरीन कम खर्च में यह तैयार किया जाने वाला एनर्जी है या फ्यूल है, जो गाँव में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेनी बायोगैस प्लांट्स विच यूज एनिमल डंग फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस प्लांट भी बैठक लगाए गए हैं जिससे बिजली तैयार की जाती है, काउ के डंग से, गोबर से बिजली तैयार की जाती है, है ना। कई सारे विलेजेस में भारत में लगाए गए हैं और यह कम खर्च में यह तैयार हो जाता है। तो बायोगैस जिसको गोबर गैस कहते हैं, गोबर से तैयार किया जाता है, है ना, काउ डंग से तैयार किया जाता है, और इसका इस्तेमाल फ्यूल के रूप में और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस काउ डंग का, है ना, खाना बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बल्ब भी जलाने के काम में आता है। अगला जो सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी। सोलर का मतलब होता है सन, सन से जो प्राप्त होती है एनर्जी उसको सोलर एनर्जी कहते हैं, इससे भी आप लोग परिचित हैं। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, है ना, आप जानते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, सन और इट प्लैनेट्स मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं और सन की फैमिली को सोलर फैमिली कहा जाता है, तो सन से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसको सोलर एनर्जी कहा जाता है। इट इज यूज इन सोलर कुकर, सोलर हीटर एक्सेट्रा फॉर कुकिंग एंड हीटिंग पर्पसेस, हीटिंग, लाइटनिंग, है ना। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हमारे देश में अब बड़े पैमाने पर हो रहा है ना, बहुतायत हो रहा है लाइट जलाने के लिए, है ना, हीट प्राप्त करने के लिए, कुकिंग और हीटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट वन इज जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी रेफर्स टू द हीट फ्रॉम इन साइड द अर्थ। रिसोर्सेज ऑफ जियो थर्मल एनर्जी रेंज फ्रॉम द स्टीम फ्रॉम द शैलो ग्राउंड टू वाटर, हॉट वाटर एंड हॉट रॉक्स फाउंड बीनीथ द अर्थ सर्फेस। जियो थर्मल पावर प्लांट्स नीड स्टीम टू जनरेट। जियो थर्मल पावर प्लांट जो भी हैं इसको स्टीम की, भाप की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए। द स्टीम रोटेट्स द टर्बाइन, स्टीम से टर्बाइन को चलाया जाता है, है ना, और दैट एक्टिवेट्स ए जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जियो थर्मल पावर प्लांट्स यूज स्टीम प्रोड्यूस फ्रॉम रिजर्वेयर्स ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी के रिजर्वेयर से
उसको दिया जाता है, स्टीम का यूज किया जाता है, हॉट वाटर फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस जो जमीन के नीचे पाया जाता है, जियोथर्मल एनर्जी जिसको कहा जाता है। जमीन के नीचे से हीट प्राप्त करते हैं, उससे एनर्जी तैयार किया जाता है और इसको हम लोग जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर है एज ऑफ मशीन्स मशीन युग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग किस तरह मशीनों में जी रहे हैं और मशीन की शुरुआत किस प्रकार से हुई, स्टार्ट हुई स्टीम इंजन से और धीरे धीरे करके कई सारे मशीनरीज का आविष्कार किया गया, मशीन का आविष्कार किया गया है ना। फिर हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, जब मशीन का आविष्कार हुआ, बड़े पैमाने पर मशीन का आविष्कार हुआ, मशीन बनाए गए और इस तरह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है ना, मास प्रोडक्शन है ना, उत्पादन बढ़ा जिसको मास प्रोडक्शन कहा गया और क्या फ़ायदे मिले मास प्रोडक्शन के, इसकी चर्चा हम लोगों ने इस चैप्टर में की। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कोल, मिनरल ऑयल है ना, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी इत्यादि के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है ना। द अर्ली मैन यूज स्टोन स्पोन्स एंड वुड टू मेक टूल्स, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड, ब्रॉन्ज एंड आयरन वेयर डिस्कवर्ड लेटर। सबसे पहले बताया गया आपको कि स्टोन टूल्स बनाते थे अर्ली मैन, फिर उन्होंने कॉपर का इस्तेमाल किया, जो फर्स्ट मेटल था, पहला मेटल कौन था, कॉपर, जिसका इस्तेमाल किया गया मानव के द्वारा, और उसके बाद फिर ब्रॉन्ज और फिर उसके बाद आयरन है ना। डायमेंशन ऑफ स्टीम इंजन वॉज द बिगनिंग ऑफ ए न्यू एरा, और स्टीम इंजन की खोज से एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसको मशीन युग नाम दिया गया, एक नए युग की शुरुआत हो गई। वहाँ से कोल एंड मिनरल ऑयल आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दो तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिसको दोबारा हम बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जो समाप्त हो जाएगा तो फिर बनाना नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो उसमें कोल और मिनरल ऑयल ये सब जो है आपका नॉन रिन्यूएबल है, बाकी जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी तैयार किए गए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, बायोगैस इत्यादि, ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाते हैं, ठीक है। द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन नेवर एग्जॉस्ट, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, इसको दोबारा बार बार तैयार किया जा सकता है, इसीलिए इसको रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा गया। कुछ वर्ड है इसमें, असेंबली लाइन का यूज किया गया, असेंबली लाइन का मतलब होता है प्रोडक्शन लाइन। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है फ्यूल्स फॉर्म्ड बाय द डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना, जो फॉसिल फ्यूल यह तैयार किया जाता है सड़े गले प्लांट और एनिमल के अवशेष से जो तैयार होता है उसको हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जियोथर्मल का मतलब होता है हीट बिलो द अर्थ क्रस्ट, जमीन के नीचे से जो हीट प्राप्त होता है उसको जियोथर्मल कहते हैं। क्रूड ऑयल का मतलब अनरिफाइंड ऑयल है ना, कच्चा तेल। हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करते हैं, आज ही करेंगे हम लोग, अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, आपको एक बार फिर से मैच करना है, सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं कोई त्रुटि है, कोई गलती है तो उसको सुधार देंगे। द फोर्स ऑफ द विंड इज यूज्ड टू रन, फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द फोर्स ऑफ विंड इज यूज टू रन डैम्स, विंड मिल्स, बायोगैस प्लांट या एरोप्लेन्स। विंड मिल्स, ठीक है, क्या आंसर होगा, विंड मिल्स। सेकंड है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा मेड द फर्स्ट, क्या बनाया अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने, फर्स्ट बैटरी, मेड द फर्स्ट बैटरी। थर्ड क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर, बी ऑप्शन है आपका वाटर, तो यहाँ पे वाटर होगा सही आंसर इसका। विच ऑफ फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एयर, सन, कूल, विंड,
इसमें से कौन सा रिन्यूएबल नहीं है, कोल। फिफ्थ है द हीट फ्रॉम द इनसाइड द अर्थ इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश इज फाउंड डीप अंडर द अर्थ सरफेस, कूल इज फाउंड डीप अंडर द अर्थ सरफेस। सेकेंड है द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड है डैश प्रोड्यूसेस पेट्रोल एंड डीजल, मिनरल ऑयल प्रोड्यूसेस पेट्रोल एंड डीजल। फोर्थ है सोलर कुकर्स वर्क ऑन डैश एनर्जी, सोलर एनर्जी। फिफ्थ डैश आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर टू रिवर्स टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप जो है होमवर्क कीजिएगा। सी है हु इन्वेंटेड दिस थिंग्स, आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से जब चैप्टर को रिवाइज किया जा रहा है तो आपको अगेन जो है होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। सी हु इन्वेंटेड दिस थिंग्स, और डी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग है, ये आप होमवर्क करेंगे। इसको मैं अगले क्लास में मैं इसको फिर से रिवाइज कराऊंगा, इसको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।